For those who don't know me, my name is Mursal Furkan, and well, yeah, मेरी और भी मेरे मतलब मेरा और कुछ बताने के लायक है नहीं. And if you guys want to know anything about me, you can just Google me or you can go to my website, right? अच्छा, now coming on to the thing कि आज हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? Why we are all here? The main topic as discussed by Samiullah भाई was Hacktoberfest. Now, what is Hacktoberfest actually? नाम क्या है, क्या क्या उसकी ओरिजिनेशन है? पहले हम हिस्ट्री पे जाते हैं. आप लोगों में से कंप्यूटर इंजीनियर्स कितने हैं? कंप्यूटर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी में, टेलीकॉम में, इस फील्ड में, बायोमेडिकल में, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड एंड आई कैन नो. नॉट लाइक दिस, बट वहां पर बटन ना का नीचे. ओके, ग्रेट, दैट्स क्वाइट अ गुड नंबर. तो आपने देखा होगा कि एक चीज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग का दुनिया में सबसे बड़ा जो चीता है, जो उसकी एक मोनोपोली चलती आ रही थी, वो था गूगल, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जीसीपी. गूगल को टक्कर देने आ गया एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस को टक्कर देने आ गया माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर. अब बात आगे बढ़ती गई, मोर प्लेयर्स केम इनटू द अरीना, बहुत से नए खिलाड़ी आने लगे, बहुत सी नई कंपनी आने लगी जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही. वन ऑफ देम वाज डिजिटल ओशन. नाउ व्हाट डिजिटल ओशन डज, डिजिटल ओशन इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू ओपन सोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्री होस्टिंग. मतलब स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल ओशन जो है वो इतने सोर्सेज प्रोवाइड करता है कि आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको आना चाहिए कैसे काम करना है. अच्छा, तो आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले क्या हुआ कि ओपन सोर्स का रुझान बढ़ने लगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज ओपन सोर्स. हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो आपने भी इंटरनेट पे देखा होगा, दो टाइप्स की होती है. कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं, यू कैन डाउनलोड दम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने आज तक गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए कभी पैसे नहीं भरे, राइट? आपने आज तक कभी जो है कोई गेम डाउनलोड करने के लिए मेजरली कोई ना फ्री में, हम होते थे पहले बचपन में तो सीडी लेके आ जाते थे, तो हम पैसे नहीं भरने पड़ते. अब तो जो जो भी अच्छी अच्छी गेम्स हैं वो पैसों में मिलती हैं. आप गिटहब यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री. आप जो है वो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आप यूज़ करते हैं जो कि फ्री है. नाउ ये मैं फ्री फ्री का वर्ड बार बार क्यों यूज़ किए जा रहा हूँ, बिकॉज फ्री ओपन सोर्स का मेन डोमेन है, दैट इज फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज फॉस, फॉस सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि एक बिल्कुल फ्री हो और दूसरा सिर्फ फ्री होने का नाम ओपन सोर्स नहीं होता. अगर एक सॉफ्टवेयर, एक आपका जो अपना प्रोग्राम है उसका कोड जो होता है, लाइक बैकएंड का जितना भी कोड होता है, जो भी कोड लिखा हुआ है वो अगर मैं अगर तो मैंने अपना आपकी जो भी वेबसाइट दिखाई थी, उसका जो कोड मैं गिटहब पे अपलोड करके या गिटलैब पे अपलोड करके या किसी और रिपोजिटरी पे अपलोड, किसी और क्लाउड कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके और उसे कम्युनिटी के लिए ओपन कर देता हूँ, कम्युनिटी के लिए ओपन कर देता हूँ, मतलब कि मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि भाई आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, देन दैट थिंग वुड बी कॉल्ड एज ओपन सोर्स. मतलब कि उसका जो सोर्स है वो मैंने, अगर हाँ अगर लेमन टर्म में बताया पता बताना चाहूँगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका कोड जो है फ्रीली अवेलेबल हो किसी के भी यूज़ करने से. अब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो मेनली आप जो है विंडोज़ यूज़ कर रहे हो. अब विंडोज़ जो है पहले ओपन सोर्स नहीं होती थी, बट 3-4 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को भी ओपन सोर्स कर दिया. इसका मतलब ये कि आप विंडोज़ का कोड उठाकर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ओपन सोर्स इज लिनक्स. लिनक्स जितने भी डिस्क्रोज हैं, उबंटू हो गया, पैरट हो गया, लिनक्स काली हो गई, जितने भी हो गए वो सब ओपन सोर्स बनाते हैं. क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी है, आपने कोड उठाया. हाँ, आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. आपने उस चीज़ को एक नई चीज़ में ढाल दिया, नई चीज़ बना दी आपने उससे, एंड आपने फिर उसको अपने नाम से प्रोड्यूस कर दिया. वेल नाउ कमिंग ओवर के ओपन सोर्स पे हम आए थे, क्लाउड से, डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन से है तो ओपन सोर्स. अब हम ओपन सोर्स से आते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि भाई
मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया राइट, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज है। अब मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं ना लाइक अनलिमिटेडली प्रो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई और सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन को ठेका दे दूँ कि भाई मेरा जो है ना आप बना दो ठेका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी यार यार, मैं ना प्योर देसी बंदा हूँ, मैंने किसी और सॉफ्टवेयर हाउस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया कि भाई आप जो है वो मेरा ये सॉफ्टवेयर बना दो, इसमें ये कमियाँ हैं, कमियाँ हैं, लॉज हैं, आप उसको सही कर दो। यहाँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वो जो मेरा पूरा सॉफ्टवेयर है मैं उसका कोड उठाकर यार सॉरी लेट मी क्लोज माय व्हाट्सएप यस, तो यहाँ तो मैं ऐसा ओके वॉइस इशू लेट मी जस्ट क्लोज माय मीम ओ मीम इज योर वॉइस ओके नाउ वॉइस ओके ठीक है ओके नहीं उनको इशू था ना मतलब कि बैंडविड्थ कुछ ज्यादा ही जा रही होगी। वेल नाउ कमिंग ओवर टू हम कहां पर थे, मतलब कहां पर थे, क्या बात कर रहे थे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस पे। तो अब यहां तो मैं जो है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ठेका दे सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं, यहां तो मैं क्या कर सकता हूं कि अपना कोड उठाकर मैं इंटरनेट पे डाल दूं कि भाई जिस बंदे को भी इस डोमेन का पता हो, इस चीज का पता हो कि ये चीज कैसे काम करती है, वो बराए मेहरबानी मुझे ये चीज में इस चीज में हेल्प कर दे। बदले में क्या, बदले में उसको जो है मैं गिफ्ट दे दूंगा, उसका नाम जो है मैं वो अपनी सॉफ्टवेयर के साथ डालूंगा भाई मैंने ये चीज बनाई थी और इसमें इस कंपोनेंट में मुझे इस बंदे ने हेल्प आउट की। अगर हम इसका प्रोफेशनली प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव से इसका देखा जाए कि इसका क्या असर होता है, इसके हमें क्या नतीजा मिलता है, ये होता है कि भाई आजकल मेजरली जितनी भी जॉब्स जाती है कंप्यूटर मार्केट में, आईटी मार्केट में, कहीं पर आप अप्लाई कर रहे होते हो तो वो लोग ये नहीं कहते कि आप हमें अपनी सीवी दो। हमारे मतलब मी बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, आज तक मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस ने किसी भी कंपनी ने ये नहीं बोला कि मुरसल हमें आप अपनी सीवी ईमेल कर दो। वो लोग तीन चीज़ें पूछते हैं कि आप हमें अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाएं, आप हमें अपना गिटहब दिखाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें की, ये किन चीज़ों पर काम किया हुआ है, और आप हमें अपना लिंक्डइन दे दें। ये तीन चीज़ें होती हैं बिकॉज दीज थ्री आर द मोस्ट प्रोफेशनल रिलेटेड थिंग्स फॉर लाइक डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड दीज डेज। अब हम ओपन सोर्स से आ गए हैक्टोबर फेस्ट पर। नाउ व्हाट इज हैक्टोबर फेस्ट, हैक्टोबर फेस्ट इज बेसिकली अच्छा दिस इज गोइंग टू साउंड वियर टू यू गाइस, बट हैक्टोबर फेस्ट इज एक्चुअली अ जर्मन फेस्टिवल जो कि पूरा अक्टूबर का महीना चलता है एंड Many people just drink in that festival, right? But when we are not doing, obviously not doing that over here. Hacktoberfest by DigitalOcean is a festival. उसी हैक्टोबर से जो है वो क्या बोलते हैं उसको symbolize करके बनाया गया है कि we celebrate open source in this festival. We don't celebrate anything else. We only celebrate open source in this festival. ओपन सोर्स हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लाइक पीपल, दे मेक देयर प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स कंप्लीटली ताकि दूसरे लोग देख सकें कि हम कैसे काम कर रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करें। अब क्या, अब सीन ये था कि जब ये हैक्टोबरफेस्ट स्टार्ट हुआ था तो लोगों को, उन लोगों ने वो करना था, अपना माइल करना था ओपन सोर्स की तरफ, क्योंकि कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहता, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि भाई मैं काम करूं और उसका फायदा पूरी दुनिया उठाए, राइट। हम भी ये नहीं चाहते कि हम काम करें और कोई हमारा कोड उठा ले, कोई हमारा क्रेडिट ले ले और हमें मतलब क्रेडिट भी ना दे उस चीज का। तो हैक्टोबर फेस्ट क्या करता है, हैक्टोबर फेस्ट इस चीज को मेक श्योर करता है कि आप, अगर आपने उस प्रोजेक्ट में काम किया तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, नॉट हैक्टोबर फेस्ट बट ओपन सोर्स। अब तो डिजिटल ओशन ने क्या किया, हैक्टोबर फेस्ट के लोगों को माइल करने के लिए उसमें इंसेंटिव्स रखे। इंसेंटिव्स लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट इंसेंटिव्स आई मीन दीस थिंग्स, द इमेज इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। वेल आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन ओपन सोर्स सिंस पास्ट 3 years, तो दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम डिजिटल ओशन इन 2019। इसमें क्या था भाई, इसमें और कुछ नहीं था, इसमें एक कूल टी शर्ट थी और इसमें जितने सारे स्टिकर्स थे, बहुत सारे वाउचर्स थे, name.com की फ्री डोमेन मिल गई मुझे,
dev.io के मिल गए सामान, डिजिटल ओशन के सामान हमें मिल गए, तो बहुत कुछ मिल गया। अच्छा, दिस वॉज समथिंग जो कि 2020 के अक्टूबर फेस्ट में मिला था। इसमें दो टी शर्ट थी, एक वाइट थी एक ब्लू थी, लेकिन बट आई चोज़ द वाइट वन फॉर द ऑब्वियस रीजंस। एंड दिस वॉज समथिंग दैट आई गॉट इन 2021। राइट, तो वेल, ये शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को ये बताना कि सिर्फ स्वैक्स के लिए आप जो है वो हैक्टोबर फेस्ट में आए। हैक्टोबर फेस्ट मीन्स कि आप ओपन सोर्स को, आपको ओपन सोर्स के बारे में पता हो, आपको कंट्रीब्यूट करना आना चाहिए। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ डेवलपर साइड पे, मतलब अपने सॉफ्टवेयर की नहीं भी, अगर आप डेवलपिंग साइड डेवलपमेंट साइड पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर फर्स्ट आपका आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई फलां लाइब्रेरी उठा के जो है ना वो प्रोजेक्ट में डाल दो, लाइक हम जब ऑब्वियसली काम कर रहे होते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई एक लाइब्रेरी है, समीउल्लाह ने उस पर काम किया हुआ है, वो उठा के तुम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो। नाउ इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, हाउ इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज ओपन सोर्स, यू वोंट बी एबल टू पुट इट लाइब्रेरी टू योर प्रोडक्ट और इन टू योर प्रोजेक्ट दैट यू आर करंटली वर्किंग ऑन। वेल, अच्छा, तो आई गेस बहुत ही लंबा हो गया, हमारे पास टाइम नहीं मिल जाता फुल डिटेल पार्टी। लेट मी शो यू गाइस कि आप अक्टूबर फेस्ट पे किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई गेस आप सब लोगों ने अब तक जो है वो अक्टूबर फेस्ट की वेबसाइट देखी होगी, octoberfest.com, राइट। देयर वेबसाइट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव, लाइक दिस इज द बेस्ट वेबसाइट इन द वर्ल्ड दैट आई कैन एवर इमेजिन। नॉट जस्ट दिस ईयर, हर साल इनकी वेबसाइट जो होती है वो बेस्ट होती है। वेल, आपने सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इस पे जाना है, octoberfest.com पे जाना है। यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स, यू हैव टू रीड ऑल द गाइड्स एंड थिंग्स कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है। यू हैव लिटरली यू हैव टू एक्सप्लोर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डोनेट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, अगेन हम थोड़ा पास से डिबेट हो जाते हैं कि तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट अगर आपको भी अच्छा लगा है एंड यू वॉन्ट टू सपोर्ट दैट प्रोजेक्ट, यू कैन डोनेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। आपकी डोनेशन वो अपने आप उस डेवलपर को चले जाएगी। वेल, अच्छा, तो ऑल यू गॉट टू इधर यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट हैकिंग इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और यू कैन सिंपली इफ यू आर अ न्यू यूजर यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन नाउ ओपन, तो आप पहुँच जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अक्टूबर फेस्ट पे अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले अक्टूबर फेस्ट पे अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले आपके पास एक या तो गिटहब की प्रोफाइल होनी चाहिए या तो गिटलैब पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अब व्हाई ओनली दीस टू प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज दीस टू प्लेटफॉर्म्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स ओपन सोर्स। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि आप क्या वो अपना अकाउंट कैसे बनाने के लिए करेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माई अकाउंट ऑन बोथ ऑफ दीस प्लेटफॉर्म्स, तो मैं नहीं बना सकता ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। अच्छा, नाउ व्हाट यू डू, आपने रजिस्टर करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है हैक्टोबर फेस्ट की वेबसाइट पे जाके, एंड देन यू हैव टू लाइक डिसाइड कि आप अपनी किस आईडी से, आपने किस अकाउंट से आप जो है वो हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इधर विथ गिटहब और गिटलैब। तो आई वाज ऑब्वियसली चूज गिटहब, और जैसे वो गिटहब पे आते हैं तो हमें ये बताता है कि भाई आप जो है वो गिटहब पे साइन इन कर ले पहले। Now what GitHub does, GitHub automatically authenticates Hacktoberfest with your profile, कि जिससे आप जब भी Hacktoberfest पे open करेंगे आपको आपकी profile मिलेगी। Now Samila, have you registered for GitHub for Hacktoberfest? Yes. Oh, okay. Anyone who haven't registered yet? नहीं यार, हम नहीं कर सकते, बाकी हम आ जाते हैं काम की बात पे। काम की बात हमारी कौन सी है कि आप गिटहब पर, अच्छा, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो कुछ ऐसी लगेगी, ये
एरर है, ये नेगेटिव डाल दिया प्रेजेंट में। तो जैसे ही आप साइन इन हो गए, आपको ईमेल्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगी कि भाई आप जो है वो रजिस्टर हो गए हैं एंड यू विल गेट अ फोटो पिन एंड एवरीथिंग। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हॉप ऑन, हमारे पास 20 मिनट है बाकी। ओके सो व्हाट यू कैन डू इज एज सून एज यू गो टू गिटहब, this is a sort of interface that you will be seeing if you are logged in, or once you log in you will be in such sort of interface. Samila, where is that link for your call screen? अब Hacktoberfest के लिए जरूरी क्या होता है कि पहले तो ये होता था कि आपने कोई भी चार पुल रिक्वेस्ट करनी है और अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो आपको वो स्वैग भेज देते, डिजिटल ओशन वाले आपको स्वैग गिफ्ट जो है भेज देते थे। फिर पिछले साल उन्होंने क्या किया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ उसी रिपोजिटरी में अपना कोड डाल सकते हो जिस रिपोजिटरी में ये Hacktoberfest का टैग लगा हुआ होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने GitHub पे जाना है और आपने GitHub पर मतलब अगर आपने कंट्रीब्यूट करने का प्लान बना लिया है, आपने Hacktoberfest.com पे रजिस्टर कर लिया, देन आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है Hacktoberfest पर रजिस्टर करेंगे तो सारे Hacktoberfest टॉपिक्स में आते हैं, जितने भी टॉपिक्स में Hacktoberfest आ रहा होगा वो आपके पास जो है वो अपने आप आ जाएंगे। देर आर कंट्री 91,000 रिपोजिटरीज जो कि Hacktoberfest को सपोर्ट कर रही है और Hacktoberfest की अपनी भी है। वेल अब आपने नाउ व्हाट वुड द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप के आपने सेलेक्ट करनी है आपकी रिपोजिटरी कि आपने किस टाइप के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आपको रिएक्ट आती है, आपको C++ आता है, तो आप Hacktoberfest आप C++ के रिपोजिटरीज चेक करें, देन देखेंगे ऐसा कौन सी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू कैन मेक इट बेटर, राइट। उसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है किस तरीके से, वो तरीका हम आपको दे देते हैं बता रहे हैं। वेल नाउ लेट्स प्ले द रिपोजिटरी क्रिएटेड बाय समीला फॉर दिस वेरी पर्पज ऑफ Hacktoberfest। Now, what this now what is the main purpose of this repository? Now, what is the main purpose of this repository? कि जो first timers हैं, जो first time participate करना चाह रहे हैं, this can be an archive for them, right? आपने university में कोई भी code लिखा है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ लिखी है या पढ़ी है या ऐसा कुछ काम किया है जिसके पास जो कि आपके लिए beneficial हो सकता है, किसी और के लिए बेनिफिशियल हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, तो आप यहाँ पर वो शेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर डूइंग ऑल दैट थिंग, इसके सबसे पहले आपको इस रिपोजिटरी को अपने लोकल डिस्क कॉपी करना है, राइट। वेल लेट मी फाइंड आपने अपनी लोकल डिस्क पे कॉपी करना है ऐसे किस तरीके से, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल गिट बैश, आपने गिट बैश जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। यू कैन जस्ट गूगल कि आपने गिट बैश कैसे कॉन्फ़िगर करना है, गिट आपने कैसे इंस्टॉल करनी है अपने गिटहब के अकाउंट से। देन जो हमने URL वहाँ पे कॉपी किया था गिट क्लोन लिख के आपने वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, राइट। पेस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपकी वो जो रिपोजिटरी है उस रिपोजिटरी में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, सी आ गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर फॉर सपोज आपने देखा है कि आपके पास एक कोड छोटा सा लिखा हुआ है, भले ही वो हेलो वर्ल्ड क्यों ना, राइट। आपने सिंपल कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन में आपने हेलो वर्ल्ड पे लिखा हुआ है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ फोल्डर ओवर हियर बाय द नेम पाइथन। You have to make sure that all Python का folder already आपके repository में मौजूद ना हो, वरना आपकी जो repository हो वो आपकी जो pull request है, आपकी जो contribution थी वो null and void हो जाएगी और GitLab या GitHub जो अपने आप उसको discard कर देता है। आपने Python का यहाँ पे folder बना लिया, अब जैसे यहाँ Python किसको आती है, मुझे सी एस है, Dragon और जितनी सब Python आती है, ओ
सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज के कौन मुझे बता सकता है कि पाइथन, मुझे पाइथन बिल्कुल नहीं होती, आई डोंट नो. ओके बक्तावर आप मुझे बताओ कि यहाँ पे पाइथन कैसे आती है, बताओ. चलिए BSCS और BCS F19 समथिंग 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 मोहम्मद, यार इतना लंबा नाम क्यों लिखा हुआ है आपने, आप मुझे बताओ कि पाइथन की फाइल कैसे बनाते हैं, कैन यू गाइड मी गाइस. ये अनम्यूट नहीं हो सकता, अनम्यूट हो सकता है, और अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाहते तो आप चैट में भी लिख सकते हैं जो लिखना चाहते हैं. नहीं मुझे बताओ ना यार कैसे बनेगा पाइथन का कोड, यही तो मुझे नहीं आ रहा. तो हम फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसकी एक्सटेंशन होगी .py. ओके हमने यार तुम भी क्यों बता रहे हो, मुझे ना बता. ओके ओके लेट्स मेक अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइट, इसका नाम क्या रखते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट py. ये हुआ भाई साहब, वेल आई एम जस्ट हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई, ऐसे नहीं होता हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई इस तरीके से, अभी भी नहीं हुआ. सभी ना कैसे होगा बताओ, बेसिकली आई थिंक ये डेस्कटॉप का कुछ. जी जी बताओ, जी जी कोई बोल रहा था, अंश भी बोल रहे थे ये ओपन सोर्स एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी आपको, राइट क्लिक करके व्यू में जाएंगे, ऊपर तो एक्सटेंशन शो होती है, ऊपर व्यू में जाएंगे जहाँ पे व्यू होता है ना विंडोज का, प्रॉपर्टीज टूल बार में, जो ऊपर मेन टूल बार है ऊपर जहाँ पे पाइथन लिखा रहा है, न्यू लिखा रहा है, पोर्ट लिखा रहा है, हाँ जहाँ पे आप व्यू लिखा रहा है पहली बार में, इसके ऊपर हाँ व्यू लिखा हुआ आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, इसमें आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, न्यू आइडिया यहाँ पे कहाँ पे होता है, फाइल नेम आ गई, फाइल नेम. अब आप इसका जो .txt है वहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें .txt. यार देखो समझो तुम्हें बताना नहीं आ रहा था, ऐसे बताते कि कैसे होगा, लेजेंड्स आए हैं हमारे पास. तुम किस काम के नहीं हो समझला, ऑनेस्टली कह सकते हैं यार. ऑनेस्टली मैं जब भी पाइथन पे काम करता हूँ तो मैं जुपिटर नोटबुक से करता हूँ, मैं कभी भी पाइथन की फाइल चल नहीं करता. अच्छा वेल अब मुझे बताओ ये काम कैसे होगा, नाउ विल ओपन इट विद स्क्रिप्ट कोड, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को छोड़ दो, हम जो है ना वैसे सिंपल नोट पर भी ओपन करते हैं. अब हमने क्या किया, हमने एक पाइथन का फोल्डर बनाया, पाइथन के फोल्डर के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड का ये बनाया, क्या कहते हैं उसे, फाइल बनाई और हमने सिंपली उसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड, द सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन अ लैंग्वेज राइट, हमने वो लिख के सेव कर दिया, हो गया आपकी कंट्रीब्यूशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका एक ना वो सेव हो गया. नहीं अभी तक नहीं हुआ क्योंकि अभी तक आपने जो काम किया है वो सिर्फ आपके आपके लोकल डेस्क पर है. अब आपको क्या करना है, आपको यही चीज़ जो है वो आपको पुश करनी है अपना आपके जिस रिपोजिटरी से आपने काम किया है, ऑल यू हैव टू डू मतलब जिस जहाँ से आपने कॉपी किया आपने वहाँ पे पुश करना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट इट ऐड फ्रॉम इट हेलो एंड सिंपली इट पुश. थोड़ा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट कनेक्ट पर यूजिंग. ओ भाई हो जाए यार, इतना भी नहीं है लंबा काम, वेल आई गेस नहीं होगा क्योंकि मेरा इंटरनेट माय इंटरनेट सक्स ऑनेस्टली. ओके गाइस वेल मेरी आवाज आ रही किसी को, मेरी आवाज आ रही है कोई, गिट क्यों नहीं चलता मेरे पास, मतलब इतना कुछ सुस्त इंटरनेट हो गया मेरा, ओह माय गॉड दैट्स रियली बैड. ओके गाइस लेट मी पुश इट अगेन, बिकॉज गिट पुश को अगर आपने जरा सा भी इंटरप्ट कर दिया ना तो वो काम नहीं करता. गिट पुश मैंने पहले चलाया था, इंटरनेट मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो अपने आप ही रुक गई कमांड, कुछ भी नहीं हुआ. बट जब इंटरनेट अगेन स्टेबल हुआ मैंने गिट पुश किया तो वो 5 सेकंड दो से 3 सेकंड लगे उसको और पूरा काम मेरा हो गया. अब अगर आप वापस इस रिपोजिटरी पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताएं, मेरे पाइथन की फाइल आ गई. नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अगर ऐसे काम अगर ऐसी चीज़ आती है तो ये काम आप गलत करते हैं, राइट। अब इस रिपोजिटरी में ये हो गया क्योंकि मेरे पास इस रिपोजिटरी का एक्सेस मौजूद था। यार सबीला मुझे इस रिपोजिटरी से हटा दो। ओके लेट मी सी जस्ट अ मोमेंट। राइट, आपने क्या करना है कि फॉर सपोज अगर आप यहाँ पे पाइथन अगर आपने आप हेलो वर्ल्ड को जो है चेंज करना है, अगर आप हेलो वर्ल्ड को चेंज कर लेते हैं कि आप इसकी जगह लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पाइथन, अब जो है वो आपकी काम आपका जो काम है वो होना स्टार्ट होगा करना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर आप जो काम करेंगे आप जो कुछ करना स्टार्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली आपके पास ये ऑप्शन तो आ ही आना नहीं होगा कि कमेंट डायरेक्टली मेन ब्रांच क्या वेल आ भी सकता है। छोड़ो, हटा दिया मैंने आपका एक्सेस। तो ग्रेट, अब क्या हुआ 404 पे जा रहे हैं, बहुत गलत टाइम पे हटाया है एक्सेस यार। चलें दोबारा करते हैं, दोबारा उसे पुश करें वहां से, फिर रिक्वेस्ट आएगी मुझे। नो डोंट डू, अब हम जो है वो काम सही तरीके से, अब हम पाइथन पे आ गए। आपने ये रिपोजिटरी पहली बार ओपन की है, दिस इज वेरी for the very first time that you are opening this repository, you open this file. And पहली बार आप ना खोलते हुए देख लिया कि आपको उस repository को गलत चीज नजर आ रही है। अब आपने क्या किया, hello world from Python. अगर आप ऊपर पढ़े तो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि you are making changes in a project you don't have right access to. Right now this is a very big problem. लेकिन अब उसको सॉल्व करने के लिए उसने खुद ही आगे जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्क ऑफ द रिपोजिटरी। फॉर्क का मतलब क्या होता है कि भाई भाई बहन जब खा रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि भाई तुम्हारी चीज अच्छी है मुझे भी दे दो मैं भी एक चम्मच खा लेता हूँ। तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो अच्छी लगी आपने एक चम्मच खा के उसको अपनी प्लेट में डाल दिया। फॉर्क से क्या हुआ कि ये रिपोजिटरी इस साइबर समीउल्लाह सलीम के साइबर ब्लॉक से उठकर मेरे अकाउंट के अंदर साइबर ब्लॉक की रिपोजिटरी बना के उसमें चीज सेव हो, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने चेंजेस कर दी, अब मेरे पास नीचे आ करके प्रपोज चेंजेस। अब प्रपोज चेंजेस से क्या हुआ मुझे बता रहे हैं भाई आपने पहले ये था और अब जो है वो आपने ये चेंजेस किए। नाउ क्या होगा, अब जो है वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई। गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट होता है, गिटलैब पे मर्ज रिक्वेस्ट होता है। अब ये रिक्वेस्ट क्या होती है, पी आर या एम आर क्या होती है, कि जो भी उस रिपोजिटरी का मैनेजर है या ओनर है आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मैंने एक काम किया है, मैंने इसमें कुछ एडिटिंग की है आपके कोड में, आप देख लो अगर आपका वो कोड सही लगता है तो आप उसको अपने कोड में मर्ज कर लो, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने समीउल्लाह को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये काम है। अच्छा आपने क्या करना है कि आपने कमेंट जो अच्छा अच्छे तरीके से लिखना है, आई हैव आप इसे कुछ बड़ा भी करके लिख सकते हैं कि भाई उसके उसके रीजंस क्या है, आपने काम क्यों किया है, मतलब जितना भी आप डिटेल में लिखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने क्या किया कि आपने वो फुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, अब क्या होगा, अब समीउल्लाह के पास जो है वो नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई मुरसल ने एक फुल रिक्वेस्ट क्रिएट की। समीउल्लाह हो गया, कोई भी हो गया, अगर आप भी इस वक्त जो है वो ये लिंक ओपन करोगे अगर फुल रिक्वेस्ट में जाओगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही होगी। कल आगे का जो काम है वो समीउल्लाह का है। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पर मैं मर्ज कर रहा हूँ इसे, हाँ समीउल्लाह मर्ज करो, ये कंफर्म मर्ज। अब जब आप इसे अब जब यहाँ पर आप इसे पुश करोगे कंफर्म कर दिया तुमने, अच्छा ना मुझे ना उसका वापस एक्सेस दो का। अब फुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज हो गई, सही है। अब मर्ज होने के बाद क्या हुआ कि वो क्लोज में आ गई, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट। ये पूरा जगह ये पूरा जो एरिया है वो खाली है, इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, दिस फुल रिक्वेस्ट ऑफ माइन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हेक्टोबरफेस्ट येट। अब क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके आपने जो भी काम आपने जो फुल रिक्वेस्ट बनाई है उस पर लेबल होना चाहिए हेक्टोबरफेस्ट या हेक्टोबरफेस्ट एक्सेप्टेड का, जो कि आपका उसका ओनर होगा रिपोजिटरी का, जो कि इन माय केस ही समीउल्लाह वो करेगा, आप नहीं कर सकते उसे। आपको एक्सेस दे दिया मैंने इसका,
ग्रेट, थैंक यू सो मच सबिल्ला। हाँ लेट मी टेल यू, अगर आप में से कोई जो है स्किल पॉजिटिव मैनेज भी करना चाह रहे हो तो देखिए ये आ गया अपना लेबल्स आ गए। अब आपने इस लेबल्स में सर्च करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर नहीं आया, प्रेस नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका कोई लेबल ऐड ही नहीं है। हमने फिलहाल इसको क्या कर दिया कि भाई कुछ भी कर दो एक्स वाई जेड, मैंने लेबल ऐड कर दिया, लेबल ऐड कर दिया, अभी रिफ्रेश करके देखें आपको आई थिंक शो हो जाएगा। ऑल वाला क्या कर रहे हो तुम समीला, तुमने तो वो पीआर ही हटा दी, गायब कर दिया यार। नहीं नहीं आपका एक्सेप्ट हो चुका है ना, वो मर्ज हो चुकी हुई है, आप बोर्ड पे चले जाएं वहां पे शो हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई मुझे बताने तो देते, सब्र तो किया करो। खैर चलो नो इश्यूज। सो गाइस दिस वाज ऑल, अगर आप मतलब आपने अब एक महीने के अंदर ये चार पुल रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट आपकी सबमिट करनी है, और वो पुल रिक्वेस्ट जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो कि प्रोजेक्ट का ओनर है वो एक्सेप्ट करे। अब क्या होगा, आपने पुल रिक्वेस्ट कर दी, प्रोजेक्ट ओनर ने एक्सेप्ट कर दी, वो पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज हो गई। नाउ व्हाट वुड हैपन इज द थिंग के आपका एक 7 दिन का मैच्योर पीरियड होता है, 7 डेज मैच्योर पीरियड फॉर द पुल रिक्वेस्ट। अब 7 दिन में आप जब आपकी पुल रिक्वेस्ट जो है वो मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर मतलब कि भाई 7 दिन तक उस आपकी पुल रिक्वेस्ट से पॉजिटिव है, उस कोड में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर खराबी आएगी, गड़बड़ आएगी, तो आपका वो जो बंदा है, आपका जो ओनर है, प्रोडक्ट ओनर है या पॉजिटिव ओनर है, वो आपको पुल रिक्वेस्ट को रिवर्ट कर देगा। रिवर्ट कर देगा मतलब आपको पुल रिक्वेस्ट जो है वो फेल्ड होगी, वापस चलेगी। अगर वो 7 दिन के अंदर वो पुल रिक्वेस्ट रिवर्ट नहीं होती तो वो पुल रिक्वेस्ट आपकी काउंट रहेगी एक्टिव वर्कर्स की। Well, now here is the catch. The guys, listen to me very carefully. इस साल मतलब हर साल ही होता है कि Hacktoberfest unlimited swag वगैरह दे रहा है। Now this is the very, this is for the very first year Hacktoberfest has capped their contributions or their swags to only first 40,000 contributors. पूरी दुनिया में से जो भी first 40,000 contributors होंगे उन्हीं को लोग जो है swags देंगे। So if you are looking for swags, अगर आपको swags चाहिए तो ये बहुत हर्डी अपॉन द लाइफ फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर। इसी वजह से अगर समीला कह रहे थे कि हम जो है सेकेंड अक्टूबर को कर दें, थर्ड अक्टूबर को कर दें, मैंने कहा नहीं भाई अक्टूबर से पहले हमने करना है एनी हाउ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। वेल गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। आप हमारे पास 3-4 मिनट है। अच्छा वेल आई एम शेयरिंग माई लिंक्डइन ओवर हियर, कि अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है, कोई भी आप लोगों ने बात पूछनी है तो रिमेंबर आई एम जस्ट अ पिंग अवे यार। मैंने बहुत बहुत सोशल को अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो जस्ट पिंग मी, और मैं इस प्रश्न का ऐसा कोई टाइम होगा जब मैं इतना कर वेल मैं अपना ईमेल भी शेयर कर रहा हूँ, तो इफ़ यू वॉन्ट ड्रॉप अ मेल ड्रॉप अ मेल ड्रॉप ए क्वेरी। वेल इसे कोई भी क्वेश्चन नहीं, ओह माय गॉड आई वाज सो बैड एट टेलिंग दीज थिंग्स। अच्छा वेल व्हाट यू गाइस कैन डू, अगर आपको कोई भी, अगर आपने देख लिया कि आपको कोई भी इशू आ रहा है लेकिन आपको आपको पता है कि इस चीज़ में ये चीज़ गलत है, ये चीज़ खराब है, इशू है, बट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन हेड ओवर टू स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में जाके आप सिंपली सर्च आउट दैट इशू और फिर उसको आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Well, I guess, guys, you guys don't have any questions. So, भाइयों बहनों कुछ तो बोलो। मुस्तफा भाई बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि बिगनर्स कैसे कंट्रीब्यूट करें। ऑल वाला बोले कि इतनी देर से मैं क्या बता रहा था, मैं इतनी देर से लोग बता रहा था वो बिगनर्स के लिए तो कर रहा था कि अगर आपने कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो आता होगा किसी एक लैंग्वेज में, फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक सी प्लस प्लस में पढ़ाते हैं हेलो वर्ल्ड का, सही, आप उसको उस पर जा सकते हैं, आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है आप उसको शेयर कर सकते हैं, आपने यूनिवर्सिटी का कोई कोड लिखा है यार, हु इज दैट अता है मुस्तफा ताहिर, अरे इतना अगर मैं नाम गलत है सॉरी फॉर दैट, अता है मुस्तफा ताहिर, यू कैन सिंपली पुट अ हेलो वर्ल्ड किसी भी लैंग्वेज में,
यू कैन पुट एल्गोरिथम्स, यू कैन पुट सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप डाल लो, आप डॉक्यूमेंटेशन डाल लो. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के हैकरोफेस इज नॉट ओनली टेकिंग कोड कंट्रीब्यूशंस, लेकिन आपको ये नॉन कोड कंट्रीब्यूशंस उनको भी हैकरोफेस एंटरटेन कर रहे हैं. मतलब यू कैन ट्रांसलेट डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन कंट्रीब्यूट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट, आप कुछ भी कर सकते हो. आप किसी भी रिपॉजिटरी में किसी भी टाइप का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, योर दैट कंट्रीब्यूशन बी काउंटेड टुवर्ड्स हैकरोफेस. Am I clear now? Or you can, if you cannot open your mic, you can simply acknowledge that thing in the comments or chat. Or it is. Okay, clear. Thank you so much. अच्छा एक और बात. Hacktoberfest में क्या होता है कि it's not only DigitalOcean that is giving you swags. बहुत सी और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बहुत और भी कंपनीज हैं जो कि कर रही होती हैं आपको एंटरटेन कर रही होती है. जिसमें बताया था बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स कर देती हैं कि आप उसमें आके आप उनमें आके हैकटोबरफेस्ट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं.